पता नहीं क्यों इस बार क्या हो गया मम्मा को। और कुछ डांट लगा मम्मी को बहुत बुरी वाली। और कुछ नहीं, बर्थडे मनाने में क्या होता है? कुछ नहीं होता, रील्स बनती है, फोटोज क्लिक होती है। हाँ, और हमारी मजे आते हैं, और आपकी और जिया की और मेरी और दादू की और पापा की फोटो आएगी। हाँ हाँ, केक भी ले आया अब मैं। हाँ, वो केक भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा अब। हाँ, हम बलून भी फुलाने लग गए। तो गाइस ये बिल्कुल भी कहना नहीं मान रहे हैं कि हमें बर्थडे मनाना है, बर्थडे मनाना है। हाँ, बर्थडे मनाना। सबको बुला लो। और तो देखो गाइस ये डेकोरेट भी करने लग गई है जिया कि नहीं मुझे तो सेलिब्रेट करना है। ये रात को भी नहीं सोई थी, इसको नींद नहीं आई, इतनी बेचैन हो रही थी जिया, तो बस पूछो मत। नहीं रात वाला नहीं डाला क्योंकि मैंने अभी घर ओढ़नी थी ना, इसलिए गाइस मैंने इसने मेरे को रात को ना सरप्राइज दिया था जिया ने, तो मैं भी घर ओढ़नी थी, तो अपने उसमें ये शोभा नहीं देते कि अपन बेड पे लेट रहे हैं और वो वीडियो डाल दें, अच्छा नहीं लगता। अपन संस्कारी लोग हैं, पता है। हाँ पीयू आप लाइटें तो सारी चसाओ। तो अभी फिलहाल जिया कर रही है डेकोरेशन, जो कि देखो ये बलून वगैरह मुड्डी इसके हाथ नहीं आ रहे, बट गद्दियों पे चढ़ चढ़ के ये डेकोरेशन पे लगी हुई है। ये हेल्प कर रही है, टेप दे दो, वो दे दो। अरे गंदा बच्चा, कौन सी दूँ, इसकी कटिंग करवा के लाएंगे कल परसों। अरे ये बलून अब फुलाएगी, अभी ये देखो ये बलून पे अभी ये तैयारी में लग रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये हमारी लाइटें चसा देते हैं, ये लो गाइस। और ये है मेरा YouTube का लोगो जो कि है ममता तंवर ब्लॉगर यूट्यूबर, ठीक है गाइस। और ये अभी डेकोरेट, अब तो आज अभी मैं रेडी भी होंगी। तो गाइस मैं अभी जाती हूँ ऊपर, रेडी होती हूँ क्योंकि रीना भाभी साहब और बच्चे आएंगे, ये मान ही नहीं रहे सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेट करेंगे, ओनली केक काटेंगे, होटल से मैंने सब्जी मंगाई है, खाना खाएंगे और केक काटेंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहना बहुत। अभी मैं ड्रेस पहनूंगी, कौन सी पहनूंगी ये आपको देखने को मिलेगा अभी, जो आजकल बहुत ट्रेंड पे चली हुई है। पिंक वाले गाइस बताना आप कौन सी पहनूंगी, खास सब लोग जज कर सकते हैं कि कौन सी पहनते हैं। एक भाई साहब ने कमेंट किया था, भाई साहब इस जो मतलब आप शॉपिंग करा रहे हो हम लोगों को, तो एक बार वेयर करके भी दिखाइए कि वो सूट कैसा लग रहा है। तो ठीक है गाइस, मेरे पास एक ओढ़नी है, उसके ऊपर मैं सूट लेके आई हूँ उनसे, तो उस पर मैं पहनूंगी। और ये अभी चल रहा है इनका डेकोरेट, मैं आटा लगाया है, सब्जी मैंने होटल से मंगाई है, तो मैं अभी होती हूँ रेडी क्योंकि भाभी साहब और बच्चे आने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको आगे। होटल से मंगाई है सब्जी पनीर की और ये मिक्स सब्जी, हमारी पूड़ी बनाई थी सुबह जो कि आप लोगों ने देखा था, ये रोटी खाएंगे, पापा को शाम को रोटी पसंद है, तो अभी मैं बोल रही हूँ बच्चों को खाना खा लो। तो गुन्ना और भाभी साहब भी आ चुके हैं। काफी भाई साहब के कमेंट थे कि भाई साहब लप्पे का सूट को पहन के एक बार दिखाएं कि वो कैसा लग रहा है, तो मैं आज लेके आई थी रामा कलर सिलवा के, तो इस पे ये मेरे पास ओढ़नी थी इसलिए मैंने रामा कलर लिए। आप ये लुगड़ी नहीं मांगना, ठीक है, ये लप्पे के सूट मिलेंगे ओनली, ये लुगड़ी मेरे दूसरे सूट की है, तो इसलिए मैं ये सूट के ऊपर मैंने ये वेयर कर ली है। इसमें ये पिंक कलर का थोड़ा सा शेड है, वैसे बन भी सकती है, प्लेन ओढ़नी बन जाएगी, ऐसे काम ये नहीं होगा बट प्लेन बन जाएगी। तो ये है लफ्फे का काम, दिखा जी आप नीचे से, तो मैं अभी खड़ी होके भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर ये फूल है, इसमें कलर सारे अवेलेबल है, और ये खड़ी होने के बाद में ये कुर्ती के ऊपर ऐसा आएगा, ये देखो, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है वैसे। और ये मैंने पहना है चूड़ा, जो कि आप लोगों को सुबह दिखा चुकी हूँ मैं कि आज मैंने नया चूड़ा काफी दिनों के बाद में पहना है, और इसमें
इसमें घेर ये सीधा सिलेगा, ये सीधा कली के साथ में सिलेगा, और इसमें घेर बहुत सारा घेर हो रखा है सूट के अंदर। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं, केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहना, भाभी से आ चुके हैं, बच्चे भी सब खाना उना खा के फ्री हो गए। मैंने कहा पहले खाना खा लो फिर उसके बाद में हम केक काटेंगे। पहले मनाने का तो कोई प्लान नहीं था, बट जी आप यू बच्चे करने लग गए ना, तो इसलिए मैंने करी। तो चलो वीडियो में बने रहना। केक ओपनिंग जो कि अभी बेबू कर रही है, यहाँ पे ये दोनों और वहाँ गाना लगा दिया। यहाँ पे भाभी सा और हमारे साहब जी भी आ गए हैं तैयारी। काकी सा तो ये लेके आए हमारे बेबू गुना। थैंक यू बेबू गुना। काकी सा काकी सा ये जिया ने डेकोरेशन तो मैंने देखी करें। देखो गाइस ये डेकोरेशन हो रही है, बता दीवार खराब होगी, बर्थडे जरूरी है, दीवार खराब जरूरी है। ये देखो यहाँ लड़ाई चल गई। मैं तो फोटोज खींच रही, ठीक है, मैं कुछ नहीं बना रही। बुना बुना वीडियो क्यों बना रही? कुछ नहीं बना रही। अजय तेरे भरोसे नहीं मैं क्या खा लो खा लो।
अरे वीडियो बनाते रहना ठीक है क्या खा रही है अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती है हर वीडियो में देखा है ऐसे ये सोते तो हंसना नहीं है और पापा पापा क्या करते हैं ये चली कौन सा उठा ले जा बोले बोल कर रही है बताए मत ये ले जाओ ना डब्बा लाओ डब्बा लेके डब्बा ये बच्चे कहां फेंकेंगे जी गुना डब्बा लाना केक का चॉकलेट लाओ और मैं इनको बोली थी ना कोई नहीं खाएगा ये देख ले चल देख दिखा रहा है ये और वीडियो में आएगा सब हो चुका है बर्थडे सेलिब्रेट अब जा रहे हैं हम सब उनको छोड़ने के लिए जा रही हूँ क्या चलो चलो बाय थैंक यू अच्छे से जाना और फोन कर देना वो दे देगी सुबह है ना सुबह आ जाना फिर ले जाना वो यूज नहीं करती वैसे चलो गुड नाइट सब भाभी सर गए अब टकूर अजय ये अब खाना खाएंगे फिर बाद में मिलते हैं अब कानू को थोड़ा फ्री करते हैं काफी देर हो गई इसको भी भूख लगते हुए रोता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे दूध नहीं पिलाओगे है ना है ना देखो गाइस सब कर लिए हैं कपड़े चेंज अब चलते हैं खाना खिलाते हैं सबको देखो घर में बना बना के खेल रही है रात को 11 बज रहे हैं गाइस देख लो अब इसको घर बाहर है अभी ए पीउड़ा ओए गंदा बच्चा ये सॉक्स उठा के उठाओ वहाँ पे चल रहा है खाना पापा यहाँ खा रहे हैं अंदर कहाँ है तेरे पापा खाना तो गाइस खाना उना खा के सब फ्री हो गए हैं अब हो गया है प्यूरे केक इसके पापा ने मुंह में मार दिया था ऐसे ऐसे कभी नहीं मारना चाहिए मुंह के ऊपर पता है उसके अंदर कोई पिन वगैरह हो पहले से आंखों में चली जाती कुछ नहीं देखा इनका मुंह ऐसे डाल दिया था पीयू का तो आज का गाइस यही ब्लॉग था और लाइक करना कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपनी फैमिली में भी शेयर करना ठीक है गाइस मिलते हैं कोई आपको अगले ब्लॉग में थक गई हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा इसलिए मैं मना कर रही थी क्योंकि बस की नहीं है गाइस अब मेरे तो और ये तो बस एक ही परिवार का बर्थडे था बट मजे बहुत आए अच्छा लगा बर्थडे सेलिब्रेट करके तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।